नैनीताल जिले के हल्द्वानी मिनी स्टेडियम में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ है। इस दौरान हल्द्वानी स्टेडियम से साइकिल और पैदल दौड़ रैली का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शिरकत की। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शिरकत की। इस दौरान मंत्री अजय भट्ट ने साइकिल और पैदल दौड़ रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में राष्ट्रीय एकता दिवस को प्रदर्शित करने के लिए हल्द्वानी में स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया। इसी के साथ आयोजन को पूरे देश में मनाने के लिए सभी देशवासियों को धन्यवाद दिया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सब लोग एक साथ चल रहे हैं, एक साथ दौड़ रहे हैं, कहीं साइकिल रैलियां हो रही हैं एक साथ, कहीं मोटरसाइकिल रैलियां हो रही हैं। यानी कि जो नई पीढ़ी है, जो इतिहास में पढ़ती थी, वो आज साक्षात करती है कि ऐसे लौह पुरुष हमारे पटेल जी थे, जिनकी वजह से आज का भारत हमको एक दिखाई दे रहा है। इस अवसर पर, एकता दिवस के अवसर पर, मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं और आगे के लिए इसी तरह से एक होकर, एकजुट होकर देश को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, जिस पर हम बखूबी आगे चल भी रहे हैं।